सत श्री अकाल जी, मैं जसविंदर पाल सिंह और आज हम बात करेंगे एंटीस्पेटरी बेल के बारे में कि ये होती क्या है, आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसकी कंडीशंस क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या है और इसके केस लॉस क्या है। आज हम कुछ इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। अंडर सेक्शन 438 ऑफ द सीआरपीसी वो ये कहता है, डायरेक्शन फॉर ग्रांटिंग ऑफ बेल टू पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट। जो बंदा जिसको चिंता है कि वो अरेस्ट हो सकता है, वो इस बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। व्हेन, कब? प्रिजम्पशन ऑफ गेटिंग अरेस्ट फॉर अ एक्विजिशन ऑफ हैविंग कमिटेड अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। अगर किसी बंदे को लगता है कि उसने एक नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट करा है, तो वो इस बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। होम टू अप्लाई, किसको? सेशन कोर्ट को वो अप्लाई कर सकता है और हाई कोर्ट को। ठीक है, इसके बाद है कोर्ट डिस्क्रिशन। इसमें क्या होता है, कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है कि वो आपको बेल ग्रांट करे ना करे। इफ कोर्ट थिंक्स फिट डायरेक्ट दैट इन द इवेंट ऑफ सच अरेस्ट ही शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। कोर्ट की मर्जी है, वो आपको बेल ग्रांट कर भी सकती है और नहीं भी। अब हम बात करते हैं कंडीशंस की। कंडीशंस क्या होंगी? द पर्सन शैल मेक हिमसेल्फ अवेलेबल फॉर इंटरोगेशन बाय अ पुलिस ऑफिसर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। वो बंदे को इंटरोगेशन के लिए पुलिस ऑफिसर को अपने आप को अवेलेबल कराना होगा जब भी पुलिस चाहे। सेकेंड पॉइंट, द पर्सन शैल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेक इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रोमिस टू एनी पर्सन एक्वेंटेड विद द फैक्ट ऑफ द केस। जो भी बंदा उस केस के फैक्ट से फेमिलियर है, वो उसको डरा नहीं सकता, धमका नहीं सकता डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, सो एज टू डिसऑर्ड हिम फ्रॉम डिस्क्लोजिंग सच फैक्ट टू द कोर्ट और टू एनी पुलिस ऑफिसर। और वो उसको रोक भी नहीं सकता कि वो कोई भी उस केस से रिलेटेड जो फैक्ट्स है कोर्ट या पुलिस को ना बताएं। अब इसका थर्ड पॉइंट जो है, द पर्सन शैल नॉट लीव इंडिया विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। वो कोर्ट की परमिशन के बगैर इंडिया नहीं छोड़ सकता। फोर्थ पॉइंट, सच अदर कंडीशन एज मे बी इम्पोज्ड अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 437 एज इफ द बेल वर ग्रांटेड अंडर दैट सेक्शन आईपीसी चैप्टर 6, 16 एंड 17। एडिशनल कंडीशन बॉन्ड होगा, नो रिपीटेशन ऑफ दैट सिमिलर ऑफेंस और एनीथिंग इन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हाउ टू डिसाइड, ये डिसाइड कैसे होगा। फर्स्ट पॉइंट, बेस्ड ऑन द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द एक्विजिशन, उस ऑफेंस के नेचर पे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, फैक्ट एंड सर्कमस्टांसिस पे भी डिपेंड होगा। थर्ड, एंटीसेंडेंट प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ द अप्लाइड, यानी कि उस बंदे का प्रीवियस रिकॉर्ड कैसा है, कि भाई साहब वो पहले भी ऐसे क्राइम कमिट तो नहीं करता आ रहा कि पता चले एंटीसिपेटरी बेल ही घर पे पड़ी रहती है, ऐसा ना हो। ठीक है, यानी कि उसका पिछला रिकॉर्ड देखा जाए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट जो है, पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज इंक्लूडिंग फ्लिंग अवे, यानी कि वो एंटीसिपेटरी बेल का मिसयूज ना करे, पता चले देश छोड़ के गायब हो गया, ऐसा ना हो। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस की, कि इसकी लिमिटेशंस क्या है। सबसे पहली लिमिटेशन है वो ये है, रीजन फॉर सच एप्रीहेंशन शुड बी क्लियर, कि भाई साहब आपको चिंता क्यों है कि आप अरेस्ट हो गए, तो वो क्लियर हो। ठीक है, सेकंड जो है वो इसकी ये है, ओनली फॉर अ पर्टिकुलर एप्रीहेंशन वन कैन अप्लाई, सिर्फ एक पर्टिकुलर चिंता के लिए ही आप उसको अप्लाई कर सकते हो। थर्ड, कोर्ट हैज इट्स डिस्क्रिशन, कोर्ट की मर्जी है वो ग्रांट करे या ना करे। फोर्थ, रीजन फॉर ग्रांटिंग should be recorded clearly, जो कोर्ट उसको बेल ग्रांट कर रही है वो रीजन जो है क्लियरली रिकॉर्ड करे कि उसने क्यों ग्रांट करी। अब हम बात करेंगे डॉक्टर जस्टिस वी एस मालीमत रिपोर्ट ऑन बेल के बारे में। अब ये मालीमत जी कहाँ से आ गए? एनडीए गवर्नमेंट ने कमेटी फॉर्म करी थी सन 2000 में और उस कमेटी ने 2003 में एक रिपोर्ट फाइल करी थी अंडर अ लीडरशिप ऑफ डॉक्टर जस्टिस वी एस मालीमत। अब ये रिपोर्ट क्या कहती है, वो ये कहती है कि जो मेन एम है डिनायल ऑफ बेल का, बेल क्यों डिनाई होती है, ताकि जो वो बंदा है जिसके लिए बेल अप्लाई हुई है वो एविडेंस को टेम्पर ना करे और पुलिस का साथ दे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, मेन एम ये है डिनायल ऑफ बेल का। लेकिन अ पर्सन सीकिंग बेल मस्ट फर्निश्ड बॉन्ड ऑफ नेसेसरी वैल्यू। अब क्या होता है कि एक जो बंदा बेल के लिए अप्लाई करता है एक बॉन्ड फर्निश करता है एक नेसेसरी वैल्यू का, बिफोर ही रिलीज्ड ही इज ग्रांटिंग अ बेल ऑन द कंडीशन। वो एक कंडीशन पे ही अब उसको एक बेल मिलती है, दैट ही प्रेजेंट हिमसेल्फ as and when required by the investigating authority, जब भी उसको investigating authority बुलाए तो वो अपने आप को present करे, ये condition है। ठीक है, and no leave the country till the trial is complete, और वो country छोड़ के नहीं जा सकता जब तक trial जो है complete ना हो। ठीक है, और ये report और आगे क्या कहती है, a person who has a reason to believe that he may be arrested
convicted in future for a non-bailable offense may apply to the competent court for granting a anticipatory bail. अगर किसी बंदे को लगता है कि वो इन फ्यूचर में एक नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट हो सकता है तो वो कॉम्पिटेंट कोर्ट में इस बेल के लिए अप्लाई कर सकता है. कॉम्पिटेंट कोर्ट कौन सी? हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट. ठीक है, अब लास्ट में क्या कहती है, बेल कैंसिल भी हो सकती है लेक उसके बिहेवियर को लेके और सफिशियंट रीजन है जो कि एक्यूज जो है वो उस ऑफेंस को दोबारा रिपीट कर सकता है. अगर कोर्ट के पास एक सफिशियंट रीजन है कि वो उस ऑफेंस को दोबारा रिपीट कर सकता है तो वो बेल जो है वो कैंसिल भी हो सकती है. एक्यूज्ड थ्रेट भी कर सकता है विटनेसेस को और जो है टेम्पर भी कर सकता है एविडेंस को और एफिशियंट प्रूफ है कोर्ट के पास तभी बेल कैंसिल होगी वरना नहीं होगी. अब हम बात करते हैं केस लॉस के बारे में. एक केस है ओमकार नाथ अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ अलाहाबाद. इसमें क्या हुआ था, there was a presumption that the application for an anticipatory bail to be applied first in a court of session and then only in high court. तो अलाहाबाद हाई कोर्ट क्या कहती है कि ऐसा कोई भी सीक्वेंस नहीं है, आप कहीं भी पहले अप्लाई कर सकते हैं लेकिन वैसे अगर करना चाहिए तो पहले सेशन में करना चाहिए फिर हाई कोर्ट में, क्योंकि जब हाई कोर्ट से डिनाय हो गया फिर सेशन में जाएंगे पाओगे, कम से कम आपके पास दो चांसेस तो रहेंगे. अब इसके बाद जो है अगला केस है चंद्रस्वामी वर्सेज सीबीआई. इसमें क्या हुआ था, पेटिशनर गॉट एंटीसिपेटरी बेल विद अ कंडीशन टू नॉट टू ट्रेवल अब्रोड. इसको एंटीसिपेटरी बेल मिल गई कि ये अब्रोड ट्रेवल नहीं करेगा लेकिन थोड़े टाइम बाद उसने अप्लाई कर दिया कि मेरे को परमिशन चाहिए अब्रोड ट्रेवलिंग के लिए और साथ में उसने रीजंस जो रखे वो ये रखे, ही वॉन्ट टू स्प्रेड और प्रोपोगेटिंग हिंदू रिलीजन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए. तो कोर्ट को ये रीजन जो है वो सफिशिएंट नहीं लगे तो कोर्ट ने इस ट्रैवल को अलाउ नहीं करा. बस यही था. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं. वी नीड योर सपोर्ट. थैंक यू.